पंचायतों में मनरेगा के कार्य किस तरह से होते हैं, मनरेगा के तहत आजीविका के साधन जुटा रहे दिहाड़ी दार किस तरह से पूरा दिन कार्य करते हैं, एक दिन में उनके द्वारा कितना कार्य किया जाता है, निर्माण कार्य के दौरान भवन निर्माण सामग्री किस तरह इस्तेमाल होती है, उसके क्या रेशो निकलती है, तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए आईआईटी मंडी से आए एक विशेषज्ञ द्वारा तमाम जानकारी जुटाई गई। भिन्न भिन्न पंचायतों में पहुंचकर मनरेगा के तहत लगाए गए अलग अलग कार्यों का सर्वे किया गया। खंड विकास अधिकारी कार्यालय में तैनात कनिष्ठ अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि आईआईटी मंडी से आए टीम लीडर अरुण जसवाल द्वारा खंड विकास सुजानपुर की भिन्न भिन्न पंचायतों में पहुंचकर मनरेगा कार्य की जानकारी जुटाई गई और सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई। इस दौरान उन्होंने पंचायत जौल, डेरा टिपरा, पनो, जंगल, चमियाना, लंबरी आदि में चलाए गए मनरेगा कार्यों का जायजा लिया। कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि इस दौरान अलग अलग कार्य, अगर किसी पंचायत में पानी टैंक का निर्माण हो रहा है तो अन्य पंचायत में किसी दूसरे कार्य का निरीक्षण किया गया। अगर किसी पंचायत में रास्ते का निर्माण कार्य हुआ है तो अन्य पंचायत में अन्य सार्वजनिक कार्यों का निरीक्षण किया गया। विशेषज्ञ द्वारा प्रातः 9 बजे से लेकर 1 बजे तक कितना कार्य होता है और उसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कितना कार्य दिहाड़ीदार निकालते हैं, तमाम जानकारी ली गई। प्रत्येक कार्य के निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद होकर अधिकारी ने एक सर्वे रिपोर्ट बनाई है। आईआईटी मंडी से पहुंचे विशेषज्ञ द्वारा एक सप्ताह के दौरान तमाम जानकारी जुटाई गई। इस दौरान वे खंड विकास अधिकारी से भी मिले और जानकारी जुटाने के बाद वापस चले गए।